तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं ब्लू एंड ब्राउन टोन का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। एक ही फोटो के अंदर दो टोन कैसे ऐड कर सकते हैं आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वो भी 100% जेन्युइन तरीके से सिखाने आज तक आप लोगों ने कैसे नहीं सिखाया होगा। अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड इससे पहले अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलेगा। तो चले गए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देन गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद में आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने में मिलेगा। सिंपल से आप लोग ऑल फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाने और यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों का लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये रहा लाइट वाला ऑप्शन, तो ये सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देना। देन लाइट को एडजस्ट कर लेना सबसे पहले, तो एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना एंड कंट्रास्ट को डिक्रीज कर लेना कुछ इस तरह -23 कर लेना एंड आई लाइट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना 26 के प्लस रख लेना। ओके एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर देना कुछ इस टाइप से प्लस की ओर रख लेना 10 एंड इतना कर देना। देन नीचे की तरफ आना है तो कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रहा कलर का ऑप्शन। सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को 33 प्लस कर देना, तो मैं इतना कर लेता हूँ। ओके एंड नीचे ना टेंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देना 21-22 माइनस रख देना। ओके एंड वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेना है, मैं इतना बढ़ा लेता हूँ 30 रख लेता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को मिक्स कलर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर साइड, तो इस पर क्लिक कर देना। ये रहा सिंपल से क्लिक कर देंगे बाद में फर्स्ट रेड कलर की सिचुएशन को इंक्रीज कर देना है। देन सेकंड कलर से मैंने इसकी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना 21 प्लस एंड लुमिनस को इंक्रीज कर लेना 30% के अराउंड रख लेना। देन इतना कर देना। नेक्स्ट आप लोग ऑरेंज कलर से मैंने फूल को डिक्रीज कर देना एंड सिचुएशन को भी हल्का सा डिक्रीज कर देना कुछ इस टाइप से, इतना रख लेना एंड लुमिनस को भी डिक्रीज कर देना कुछ इस टाइप से 25% का राउंड रख लेना। एंड नेक्स्ट ग्रीन कलर से मैंने इसकी सिचुएशन को डिक्रीज एंड सिचुएशन को भी डिक्रीज कर देना और लुमिनस को हल्का सा डिक्रीज कर देना 30 के राउंड रख लेना। ओके एंड एक्वा कलर्स में आएंगे तो इसकी भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना एंड ब्लू कलर्स की भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना। देन ये दोनों ऑप्शन को भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना, सॉरी लुमिनस को नहीं एंड सिचुएशन को डिक्रीज कर देना। ओके एंड ऊपर साइड आप लोग को डन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर डायरेक्ट करके आप लोग को बैक हो देना। नेक्स्ट का जो आप लोगों को इफेक्टर टूल्स मिल जाएगा, ये रहा इफेक्टर टूल, तो इस पर क्लिक कर देना एंड क्लैरिटी को इंक्रीज कर देना कुछ इस टाइप से, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है एंड टेक्सचर की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देना। ओके एंड विन टेक की वैल्यू को डिक्रीज कर देना 50% का अराउंड रख लेना, मैं इतना रख लेता हूँ। ओके एंड नेक्स्ट आप लोगों को डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रहा इस पर क्लिक कर देना। देन क्लिक कर देने के बाद में शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना। ओके एंड रोटेशन को इंक्रीज, डिटेल को भी इंक्रीज कर लेना। आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग रख लेना, मैं करूँ वो मत रखना, आप अपनी फोटो जो अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग रख लेना। नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज, नीचे आने कलर नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज कर देना। ओके नेक्स्ट आप लोग को स्मूथनेस को 100 कर देना। देन नीचे साइड आएंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑप्टिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देना। देन इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना सिंपल से एंड यहाँ से गाइस अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर जैसे कॉपी मस्ट फोटो एडिटिंग हो चुके एंड गाइस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग का पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने में मिलेगा, तो ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देना एंड इस वाले ऑप्शन पे मास्किंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड इसके अंदर आप लोग को प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देना। देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग का पे नीचे का स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को कलर रेंज का ऑप्शन देखने में मिलेगा, तो ये रहा, इस पर क्लिक कर देना। कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे एक सर्किल मिल जाएगा, तो इसको उठा के बैकग्राउंड के यहाँ पे रख देना इस टाइप से, इसको छोड़ देना एंड यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने में मिलेगा, तो ये रहा, मैं बता देता हूँ आप लोग को, तो इस पर क्लिक कर देना। देन क्लिक कर देने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो आप लोग को कलर एच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रहता है, इस पर क्लिक कर देना। जो आप अपने बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हो, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। ओके एंड यहाँ पे राइट करके आप लोग को बैक हो जाने। देन फिर से नीचे को स्क्रॉल करना है तो करेंगे तो आप लोग यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिला, तो ये रहा, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड आप लोगों को ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ये रहा ग्रेडियंट वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट ग्रेडियंट वाले को सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड इसके बिंदी को उठा के नीचे को लेकर देना है कुछ इस टाइप से। ओके एंड इतना रख लेना एंड रखने के बाद में लास्ट वाले ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आ देना, लास्ट वाले इस पर क्लिक कर देना एंड इसको भी बिंदी गोटा के नीचे को लेकर देना, इतना ज़्यादा नहीं एंड इतना लेना एंड यहाँ पे डन करके आप लोग को बैक हो देना। ओवरऑल यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर दिस जो काफ़ी मस्त मेरी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। इस फोटो को सेव करने के लिए आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग अपने सेव टू डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से अपनी फोटो को सेव कर लीजिएगा। आई होप कि गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना।